वेलकम टू स्वादिष किचन विद रिंकी। आज हम बनाएंगे टोस्टेड ब्रेड क्रम्स। आप इसे इजीली घर में बना सकते हैं और इसे बहुत दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेड स्लाइसेस ले लिया है मीडियम साइज़ का। अब ब्रेड को छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। आप बिना काटे भी ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। इस तरह से इसे पीसेस में काट लेंगे। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। आप अगर इसे छोटे छोटे पीस में काट लेंगे तो ग्राइंड करने में आसानी होगी। और यहाँ पे मैंने कटे हुए ब्रेड का एजेस ले लिया है। आप इससे भी बना सकते हैं, जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसी से भी बनाएंगे हम। अब गरम पैन में कटे हुए ब्रेड पीसेस डालेंगे। अब सारे पीसेस को एक एक करके पूरे पैन में इस तरह से फैला देंगे ताकि ये अच्छे से टोस्ट हो जाए। और कुछ सेकेंड के बाद इसे हम पलट देंगे। जब ब्रेड एक तरफ से हो जाए तब पलटने के बाद जो कटे हुए ब्रेड का एजेस है उसे भी डाल देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे टोस्ट करेंगे। ध्यान रखिए ब्रेड जलना नहीं चाहिए। और दोनों तरफ से ही जब ब्रेड अच्छे से टोस्ट हो जाए, इस तरह से देखिए हमारा ब्रेड टोस्ट हो चुका है। अब इसे हम पैन से निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ब्रेड कुछ इस तरह से कुरकुरा बन जाएगा। इससे बहुत ही अच्छा ब्रेड क्रम्स बनेगा। आप मिक्सी के जार में टोस्टेड ब्रेड डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ब्रेड जितना अच्छे से कुरकुरा होगा ब्रेड क्रम्स उतना ही अच्छा बनेगा। और ये हमारा ब्रेड क्रम्स बनके तैयार हो चुका है। आप इसे इजीली घर में बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाएगा और इसे बहुत दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।